जप सच दा करना है तो सच एक शक्ति है, जप रसना नाल करना है। एक दूजी बहु लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, बेतरापत पौड़िया चढ़िए होए एकीस। एक जबान नू दो बना ले, दो नू लख बना ले, लख नू वी लख बना ले, एक एक जबान नाल लखा लखा वारी जो जगत दा ईस है मालिक है ओदा नाम रटन करी जा, दोहराई जा दोहराई जा। यही है परमात्मा दे दर दियां पौड़ियां एक दिन चढ़ के इकीस हो जाएगा, भाव एक ईश्वर दा रूप हो जाएगा, परमात्मा दा रूप हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जपना जबान नाल है, तो सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु आखी जाना है नहीं। जपजी साहब ढंग दस्या गुरु नानक ने, गावी है सुनी है मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। गावी है जबान नाल पहले गायन कर वाहे गुरु वाहे गुरु, हुण इनु सुन। अगर उंजी वाहेगुरु वाहेगुरु आख रहे हैं तो सुन नहीं रहा तो हवा चुड़ गया, उसे तेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरे मुंह विच पानी होवे मैं थल्ले ना करा, इहदे नाल ते प्यास नहीं मिटन लगी, चाहे सारी जिंदगी मैं मुंह विच रख लां। मेरे मुंह विच भोजन की बुरकी होवे मैं थल्ले ना करा, इहदे नाल ते भुख नहीं मिटन लगी, चाहे मैं सारा दिन मुंह विच रख लवां। सारा दिन मैं वाहेगुरु वाहेगुरु करा, अगर मैं सुनदा नहीं पिया, इहदे नाल मेरे हिरदे च कोई चानना नहीं आउण लगा, इहदे नाल कोई मैनू आत्मक रस नहीं मिलन लगा। लोकी करदे रह जांदे ने, 18-18 घंटे पाठ करन वाले भी मैं अखंड पाठी देखे ने, क्या वह ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने, क्या वह आत्मदर्शी हो गए ने? इस तरह की कोई गल नहीं, यह भी मैं अर्ज कर दिया। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करे ते कन सुन, शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। मैनू कोई एक अंधविश्वासी कहन लगा, जैन जी साडे गुरु की बड़ी भारी महिमा है, उन्हें सानू मंत्र कन्ना दिच दिता है, ते मैं कहूं तू मैनू ऐसा कोई गुरु दस जिन्हें मंत्र अखां दिच दिता होवे, नक दिच दिता होवे, मुंह दिच दिता होवे। मंत्र ते कन्न ही सुनणगे और कौन सुनेगा? मंत्र ते शब्द हुंदा है, नाम हुंदा है, उह ते कन्न ही सुनणगे। कहिंदा लै इस तरह की गल है, तो मैं तो तू सारी दुनिया नूं मूर्ख ही समझ आया। इस तरह के चक्करां ते मूल लोग पैंदे ने, मंत्र ते कन्न ही सुनणगे और कौन सुनणगे? कितनी भी समझ कोई, कितना भी जो है बोध कोई, जबान उचारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कन्न सुनन। सनातन मत दे लोकी मूर्ति च ध्यान जोड़दे ने या जलदे हुए दीवे च ध्यान जोड़दे ने, कुछ अभ्यासी कहिंदे ने इत्थे ध्यान जोड़ो, अलग अलग ढंग है। त्रापक जिहड़े ध्यान साधना करन वाले ने, त्रियाटक, मैं उन्हां दे अस्थान देखे ने, ਉਹ सामने दीवा जला के ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ते हैं, कोई मूर्ति च ध्यान जोड़ते हैं, तस्वीर ਦੇ ਚ ध्यान जोड़ते हैं। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚ ध्यान जोड़ना है? अपना ध्यान ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ? ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ करे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ध्यान ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ? ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬੁਲਾਈ, अपने तो बाहर ध्यान ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ भरम ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। परमात्मा का नाम तेरे अंदर है, नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही में, इसका विश्राम इसनु प्रगट करना है, और ये प्रगट होवेगा मंत्र जप के, गुरु दा मंत्र जप के प्रगट हो जाएगा। तो तू मंत्र विच ही ध्यान जोड़ना है, शब्द दे विच ही ध्यान जोड़ना है, शब्द गुरु सुरत दोनों चेला। बड़ी कीमती पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहले पातशाह की थोड़े सामने रखा, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख ने उस परमात्मा की अकथ कथा नू समझ लिया धुन विच ध्यान जोड़ के। धुन तो मुराद शब्द, ध्यान तो मुराद सुरत। ध्यान जोड़िया उसने धुन विच, सुरत जोड़ी उसने शब्द विच। साफ लिखे रामकली मल्ला पहला, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी।
गुरमुख ने उस अकथ की कहानी नू समझ लिया, धुन विच ध्यान जोड़ के, शब्द विच सुरत जोड़ के। हुण तुसीं आखोगे शब्द का ना कोई रंग ना रूप, वाहेगुरु 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 इंज मैं उच्चारण करता पिया, इस विच किवें ध्यान जोड़ना? इस नू सुनना है, सुनना ही ध्यान जोड़ना है। यह भी मैं अर्ज कर रहा, एक बंदा बोल रहा है, दूजा सुन रहा है, तो सुनने वाला अचनचेत कह देता, मित्रा एक गल फिर आग मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? कहना मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। तो सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना है? ध्यान नु सुनन दे चलाना है। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। तो सुनते सही अंदरों रतन जवाहर पैदा होंगे। सिर्फ इतनी ही गल नहीं, नानक भगतां सदा विगास, सुनी है दुख पाप का नाश। सुनदे ही दुख नाश हो जाएंगे, सुनदे ही पाप नाश हो जाएंगे, सुनदे ही परम शांति मिलेगी, सुनदे ही परम चानना होगा। तुसी आखोगे असी ते बड़ा सुनया, कोई चानना नहीं होया, कुछ आनंद नहीं बनया। तो मैं सतगुरों की हजूरी च इतनी गल ते कह सकदा, नहीं सुनया, हो ही नहीं सकता कि सुनदया आनंद ना मिले, सुनदया रस ना मिले, सुनदया परम आनंद की झलक ना मिले। नहीं सुनया। बाबा फरीद ते कहिंदन, आज मिलावा शेख फरीद, ताकम गूंजणिया मनो मचिंदणिया। अज ही रब दा मिलाप ले ले, अज ही खुदा दा मिलाप ले, कल ते क्यों छोड़ना है, परसों ते क्यों छोड़ना है? भोजन दी बुरकी तो मूंह दे च पाना है, स्वाद तेनू कल आउंदा है, हुणे आउंदा है। पानी दा घुट तो मूंह दे च पियां गह पाना है, थले करदा है, प्यास कल बुझदी है, नहीं हुणे बुझदी है। वाहिगुरु वाहिगुरु तू जपे, फल तेनू अगले जन्म च मिले, जपण दी लोड़ ही की है। यह भी मैं कर दिया, ये जिंदगी बंदा रोंदिया पिटदिया लंघा देवे, अगले जन्म च फल मिलेगा। इस तरह की तिफल तसली उधार का धर्म गुरु नानक साडी झोली च नहीं पाते। नकद धर्म है, नकद सौदा है। वाहेगुरु 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 इंज जप ते कन्ना नाल सुन ते ही ध्यान जोड़ना। एक कठिन है, आखण औखा साचा नाम। तुसी करके देखना, एक मिनट भी नहीं कर सकोगे, एक मिनट। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैनू गालबन 38-39 साल हो गए इन कथा करदे, बल्कि इसको भी कुछ ज्यादा हो गए। चार चार पांच पांच घंटे कथा कई मुल्कां च और अपने देश दे गुरपुरब दे दिनां च दास ने कीती है, करदे हैं। पांच घंटे कथा करने अज भी मैनू इतनी उखियाई नहीं, पांच मिनट वाहेगुरु वाहेगुरु कह के इस नू सुनना अज भी औखियाई, अज भी मैनू कठिन लगदी। इस दे विच अज भी मैनू कामयाबी नहीं मिली, यह भी मैं अर्ज करदे हैं। और मैं फोकी निर्माणता थोड़े सामने नहीं रख रहा, बिल्कुल अपनी एक सच्चाई थोड़े सामने रख रहा, बड़ी सच्चाई। पांच मिनट कलगीधर पिता ते कहिंदे कोई एक मिनट भी करे तो आनंद बन जाएगा, एक मिनट। एक मिनट मैं ज्यादा कह रहा, सतगुरु ने हां एक सैकंड कह, एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल पास के बीच ना एक छिन, एक सैकंड। इधर वाहेगुरु वाहेगुरु आख्या है, इधर ध्यान जुड़ गया। जैसे ध्यान जुड़ता है, जन्मा जन्मांतरां दा अंधकार दूर हो जाता है। किसे कमरे विच 50 साल दा हनेरा होवे, ते उस हनेरे नूं कढ़न लई 50 साल लगणगे। कोई तर्क देवे 50 साल दा हनेरा है, इहनूं कढ़दे आ ते हुण 50 साल लगणगे, नहीं, इधर बत्ती जलाओ गया हनेरा है, भावें 50 साल दा है। दुख चाहे कितने जन्मां दे होवन, पाप चाहे कितने जन्मां दे होवन, चाहे कितना होर अंधकार होवे, जैसे सुरत शब्द नाल जुड़दी है चानना हो जांदा, सारे पाप मिट जांदे, सारे दुख मिट जांदे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। अमृत वेले उठ के जो गुरमंत्र दा जाप नहीं करदा, वाहेगुरु 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 ते कन नाल नहीं सुनदा, मैं उस कर मैनू उम्मीद नहीं कि उसके पल्ले कुछ पैंदा होवे।
कोई किसान हल चलावे, सुहागा फेरे, पानी भी देवे और खाद भी वधिया पावे, चारों पासे वाड़ भी ला देवे, मचान बना के रखवाली करन वास्ते भी बैठ जाए, 15-20 दिन हो जान, जमीन दे चो कुछ उगे ना, ते ओ किसे सियाणे नू बुला लियावे, ते आखे पता नहीं मैं मेहनत ते बड़ी कीती सी, कुछ उगया नहीं, कोई पुंगड़िया नहीं। ते ओ सियाणा पुछे जमीन दे चवत्तर सी, ओ कहिंदा मैं पानी दित्ता है, हल तू ढंग नाल चलाया सी, कहिंदा दो दफा चलाया है, सुहागा फेरिया सी, कहिंदा हां, खाद पाई सी, कहिंदा मैं वधिया खाद पाई है, अच्छा मित्रा तू ए रस बीज केड़ा पाया, कहिंदा आपां बीज कोई नहीं पाया, कुछ भी नहीं पीता, किताया सारा व्यर्थ हो गया कि नहीं। कीर्तन सुनना, कथा सुननी, गुरुद्वारे आवना, दान पुन करना, ते इंज है हल चलाना, पानी देना, खाद पाना, वाड़ लाना, पर अमृत वेले उठ के वाहेगुरु वाहेगुरु का जो जप करना है, यह बीज पाना है, ये तो है ही कोई नहीं, ये तो कोई करता ही नहीं, तो पल्ले की पवे कुछ भी नहीं है। अज मैं देखना सिखा को आर्थिक शक्ति है, शरीरक शक्ति भी है, दिमागी शक्ति भी है, रूहानी शक्ति कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो जप नाल प्राप्त होती है। सतगुरु कहने जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, मनुख सारे धार्मिक कर्म करे ते जप ना करे, ते ओ बरात है जिदे च लड़ाई कोई नहीं, की मैंने रख देने बराती, लड़ाई कोई नहीं, जप मूल है, जप पहली वाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी, जप पहला उपदेश है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जप पहली देशना है जगत गुरु बाबे गुरु नानक देव जी महाराज जी, जप लाजमी करना है। जपो तो एको नामा अवर ने राफल कामा, पातशाह किवें जपीए, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ, साफ लिख दिता है जवान नाल जपो। महाराज कितना कु जपीए, एक दू जीबो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख देड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एक जवान नू लख बना ले, लख नू भी लख बना ले, जपी जा लखां वाली जितना जप सकदा, यही परमात्मा दे दर दियां पौड़ियां ने, एक दिन चढ़ जाएगा। बस वाहेगुरु वाहेगुरु करिए नहीं, गावीए सुनिए, मैं फिर दोहरा रहा, जबान गायन करे ते कन सुनन, सरवण गोविंद गुण सुनो, पर गाओ रसना गी कठिन है, करके देख लेना, एक मिनट भी नहीं कर सकोगे, औखा। इसे मेरे पातशाह ने कहा आखण औखा साचा ना, जप सच दा करना है, अकाल पुरख दा करना है, उदे नाम दा करना है, और जप रसना नाल करना है। जप कदों करना है, अमृत वेला सच नाम वडे आई बीजा, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई, जपना अमृत वेले। ईरान दा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी साहब दा कहना है, दुआ कुन बशब चो गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज, ऐ बंदे जे तू दिन नू मनुखा विच बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, ता रात दे चौथे पैर खुदा दे अगो मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। ए फकीर कहिंदा है जो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगो मंगता नहीं बनदे, वो दिन नू बादशाहां दी तरह जीव ही नहीं सकणगे। बहुत कीमती गल कह गए, दुआ कुन बशब चू गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज, अमृत वेला सच नाओ वडे आई वी चार। पंज बाणियां दे च पहली बाणी जपजी साहब दे च तीन सिद्धांतक नुक्ते, जप सच दा करना है, जप रसना नाल करना है, जप अमृत वेले करना है। आनंद तक पहुंचण दा एक वसीला जप, जप मूल है, जप पहले है, जप बुनियादी है, जप लाजमी है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा,